मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 18 में। मैं शिखा सक्सेना और मैं मौजूद हूं सेक्टर 16 नोएडा में और आम जनता से जानते हैं कि वे यूबी में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो सरकार के कामों से कितना खुश हैं। सब हम यहाँ बात करेंगे कुछ गरीब लड़कियों से जो कूड़ा बीनती हैं और अपना घर चलाती हैं। आज हम देखेंगे कि यूपी की क्या हालत है कि इन लड़कियों को कूड़ा बीनने पे मजबूर होना पड़ रहा है और वो कैसे अपना घर चलाती हैं। जी, आपका नाम? सिद्धू जी। आप क्या योगी सरकार हो, मुझे बात चल रही थी तो आपने कहा कि योगी सरकार नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं? किसानों के लिए कुछ बेटर कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस दाम पर फसल बिकनी चाहिए उस दाम पर तो बिकती नहीं है ना, बिकता तो किसान ही है ना हर बार, क्योंकि शहर तक दूध गेहूं सारा कुछ किसान करता है। अभी भी बॉर्डर पे बैठे हैं ना कुछ किसान, उनका फाइनल आउट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी आप जैसे नोएडा में रह रही हैं, आप यूपी में रह रही हैं, तो आपको कोई सरकार की तरफ से कुछ मतलब मुआवजा मिलता है आपको कुछ? जैसे गरीबों के लिए काफ़ी सारी उन्होंने पेंशन वगैरह दी है, अभी लॉकडाउन में 2000 रुपये दिए हैं, तो आपको कुछ मिला है ऐसा? नहीं, हमारे स्कूल से आया था राशन। स्कूल से राशन आता है? और आपके राशन कार्ड है आपके मम्मी के पास? राशन कार्ड तो नहीं है। राशन कार्ड नहीं है तो आपका घर सिर्फ कूड़ा बीनने से ही चलता है? आप कितना कमा लेते हो दिन का? हम लोग का हो जाता है कभी कभी 200, कभी 300 रुपए, ऐसे 400। 200-300 मतलब रोज कमाना रोज खाना का सिस्टम है। तो आप नोएडा जब से रह रही हैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? डे में तो ऐसे मैं मतलब मैं खुद को सेफ रख सकती हूँ, बट और भी गर्ल्स हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है, अभी जैसे राबिया का हुआ है जो भी नाम हो, तो मतलब एक मार्शल होकर जब वो खुद को सेफ नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि हम गर्ल्स स्ट्रांग तो हैं बट इतना भी नहीं है, नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं, लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर बनवाए हैं, महिलाएं भी पुलिस की जो महिलाएं हैं वो भी गश्त देती हैं रात में, बट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी इमरजेंसी हुआ, सपोज हम हैं किसी मतलब फैमिली में भी कोई कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम फ़ोन लेके नहीं जा सकते तो हम फ़ोन कैसे करेंगे? आपने बोला कि इमरजेंसी के लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, आई एग्री, बट फ़ोन तो नहीं है, जब फ़ोन नहीं होगा तो नहीं कर सकते ना, मैं कोई भी छेड़ के जा सकते हैं, अरे बस कुछ भी हो सकता है। तो आप मौजूदा सरकार से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ना खुश हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं नहीं हूँ, इतना भी नहीं हूँ खुश, नहीं है। मतलब ना खुश हैं जी। तो आप अभी आपको मतलब खाने में कोई दिक्कत ऐसा होता है कि कभी आप भूखे पेट सोना पड़ रहा है आपको, कुछ ऐसा? हाँ, होता है, भूखे पेट सोना पड़ता है आपको कभी? तो विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय अब रह गया है, तो इस योगी जो इस समय जो सरकार चल रही है, आप इसके जो विकास हो रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आई डोंट थिंक कि विकास जो हो रहा है वो उस हिसाब से प्रॉपर दिख रहा है, एक्सेप्ट कि ये जो हमारे प्लेसेस के नाम चेंज हो रहे हैं, स्टेशंस के नाम चेंज हो रहे हैं, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत अच्छा विजुलाइज हो रहा है, सो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत अच्छा, मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा कर रही है, हाँ वन थिंग कि अयोध्या मामला शॉर्ट आउट हुआ, बट वो तो केंद्र का ऑब्जेक्ट था ना, सो आई डोंट थिंक कि और कोई यूपी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बदलती हुई सरकारें देखी हैं आपने, कांग्रेस की भी देखी होगी, बीजेपी भी देखी है, सपा भी देखी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ने अभी तक अच्छा काम किया? अच्छा तो सारी ये सरकार ने, मेरे तो मायावती के राज में पेंशन बंदी थी 300 रुपये महीना, अब मेरी 500 रुपये महीना हो रही है, और तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं, लले यहाँ बैठती हूँ, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सालों में आपको कभी किसी ने परेशान मेरे को किसी ने कोई परेशान नहीं करा, ना कांग्रेस में कही थी, ना बीजेपी की, ना कोई और सरकार ने। शाओं के बारे में सोचा और बहुत से विकास करवाए, माफियाओं से मुक्त करवाया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, माफिया अगर हम बोलें तो हाँ ठीक है, बट अगर महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं का माफिया से कुछ खास लेन देन तो है नहीं, तो देखा जाए तो फीमेल डेवलपमेंट या वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड तो कुछ ऐसा खास उन्होंने कोई ऐसा कोई भी ऐसा रूल या कुछ वैसा नहीं बनाया है जिससे हम कह सकें कि हाँ हम बहुत ही सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, तो मतलब तो ये एक कॉमन ही चल रहा है जैसे कि पहले गवर्नमेंट में था वैसा ही। उत्तर प्रदेश में मतलब अभी सुरक्षा की कमी है क्या? ऑब्वियस सी बात है, कमी तो है, तभी तो रेप्स और दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। रेप का दर देखा जाए या फिर क्राइम जो भी देखा जाए वो कम हुआ है? क्राइम इंडेक्स
मे बी हो सकता है वर्चुअली कम हुआ हो, बट ग्लोबली आई डोंट थिंक यूपी में कुछ कम हुआ है। ठीक है, योगी सरकार जो नई नई पहल कर रही है, चुनाव आने वाले हैं, अयोध्या का मामला सामने आया है, इन सब के बारे में क्या राय है? अयोध्या का मामला तो वन ऑफ द वेरी बिग थिंग जो शॉर्ट आउट हुई, जो एक बहुत बड़ी एक वोट बैंक की अपील थी जिसके बिहाफ पे हमेशा लोग हिंदू वोट मिलते थे उन्हें, बट अब देखते हैं कि अब इनका नया विज़न क्या होगा, क्योंकि अयोध्या और कश्मीर दोनों मामले तो शॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो अब इनका नया विज़न देखने लायक है कि क्या दे रहे हैं, कौन सा विज़न दे रहे हैं।